कोलकाता में अपने उड़न खटोले से टीएस सिंह देव प्रतिपक्ष नेता का आगमन हुआ। टीएस बाबा प्रतिपक्ष नेता छत्तीसगढ़ ने किया चुनावी आगाज। टीएस बाबा प्रतिपक्ष नेता छत्तीसगढ़ ने किया चुनावी आगाज। जिले के केकुनकुरी विधानसभा क्षेत्र के दुलदुला में अपने उड़न खटोले से टीएस सिंह देव प्रतिपक्ष नेता का आगमन हुआ, जहां हजारों मतदाताओं और कार्यकर्ताओं ने बहुत ही उत्साह से टीएस बाबा का स्वागत किया। वहीं सभी वक्ताओं ने भाजपा के शासनकाल के गलतियों को गिनाए और जमकर कोसा। जैसा कि आप लोगों को पता है कि आने वाले चुनाव में 25 जन के भीतर में हम लोगों को मतदान करना है, लेकिन हम जो लड़ाई लड़ रहे हैं 15 साल से लड़ाई लड़ रहे हैं, 15 साल से विपक्ष की भूमिका में बैठे हुए हैं साथियों, हम लोग पिछले काफी समय से विधानसभा कुनकुरी में हमारा विधायक नहीं है। टीएस बाबा ने रमन सरकार पर जमकर निशाना साधा और घोषणा भी की। 5 साल में तो मोबाइल देके 2000 करते क्या हम पूरा काम करें, तो आप मतलब 2000 के गर्म होए वाला फटे वाला मोबाइल चाहिए कि 2000 रुपया बैंक में चाहिए कि जैसे कि सभी छात्रों को 9वीं कक्षा से साइकिल और स्टेपन दिया जाएगा। नौकरी को हमको भरना है तो पहले छत्तीसगढ़ के बच्चों को तो भर लो, फिर आप अपने यहाँ से रिवा से उठाओ। किसानों का कर्ज माफ किया जाएगा, धान का बोनस बढ़ाकर 2 साल का एक साथ दिया जाएगा। तो आप मतलब 2000 के गर्म होए वाला फटे वाला मोबाइल चाहिए कि 2000 रुपया बैंक में चाहिए कि जैसा चाहो के खर्चा कर। साथ कई घोषणा की, अगर कांग्रेस की सरकार बनती है तो पहले दिन ही विधानसभा में किसानों का कर्ज माफ किया जाएगा। कुनकुरी से कांग्रेस ने यूडी मिर्च को अपना उम्मीदवार बनाया है। इस चुनावी महासमर में देखना है कि ऊंट किस करवट बैठती है। जशपुर से अलाउद्दीन राही की रिपोर्ट।